अभी इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ देख सकते हैं आप तमाम सारी लकड़ियाँ हैं। अगर आप किसी और घाट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो लोग खरीद कर अपने घर को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो यहीं जलकर राख हो जाती हैं। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको लेकर चलते हैं, अब सीधे तस्वीरें दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट की कि वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अब पहुँच गए हैं मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी लाशें हैं जो यहाँ पर जल रही हैं। यहाँ पर देखें और चार चार का यहाँ पर रैंक लगाया गया है। यहाँ पर एक साथ एक पॉइंट पर जो है यहाँ पर चार लाशें जल रही हैं, इसके नीचे लगातार फिर चार हैं और फिर नीचे भी चार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाह संस्कार का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं इसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तब तक आपको हम तस्वीर दिखाते, बता दें यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं। यहाँ पर आप सहन कैसे करते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में, आप यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कैसे बर्दाश्त करते हैं? अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हाँ। मजबूरी में सब पड़ा जाता है। बनारस कहते हैं कि मोक्ष का धाम है, मुक्ति का धाम है, ये तो बाबा मखाननाथ भोलेनाथ का खूब धाम है। हाँ। यहाँ जो आता है मुक्त में पहुँच जाता है, लोग में जाता है। अगर बात करें तो आम आदमी शमशान घाट पर जाने से डरता है, क्या आप लोगों को कभी डर लगा? हम लोग बाबा मखाननाथ के खरल में रहते हैं तो हम लोग को क्या डर लगेगा, बने ही बीता है मखान ही में तो कहाँ डर लगेगा। अच्छा, भूत प्रेत मानते हैं आप? भूत प्रेत तो भोलेनाथ खुद हैं, उनके खाट में सभी लोग रहते हैं खुद, तो भूत प्रेत कहाँ से आएंगे। अच्छा, कर वगैरह भी लेते हैं आप, बदले में क्या मिलता है आपको? बदले में क्या मिलता है आप यहाँ पर लाशें जलाते हैं? बदले में क्या मिलता है, जो पैसा मिलता है वो जलता है लाश और क्या। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो काम करते हैं? हम लोग 50-60 आदमी हैं। 50-60 आदमी हैं। एक दिन में लगभग कितनी लाशें आती हैं यहाँ पर? ये बहुत तो कम आता है, 20-25 आता है। अच्छा। गर्मी में जाता आता है। हाँ। यहाँ पर अगर बात करें तो चार चार के यहाँ पे सेट लगे हैं, ऐसे 12 हैं। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लाशें रखी हैं, तो उनका भी क्या किया जाएगा? ये 12 तो बना हुआ है, अब चार उधर है, अब उसमें जल नहीं रहा है, यह जगह कम है। पर जब देखते हैं आप, बहुत सारे लोग आते होंगे, उनके परिजन भी आते होंगे, तो आपने कभी कुछ दर्द महसूस किया? अरे सबको जाना, हमको भी जाना है, आपको जाना, सभी लोग को जाना है, तो क्या दर्द होगा यहाँ पे, जो हम बचपन ही से देख रहे हैं तो क्या दर्द होगा। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं तो जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिवार वालों को खोया है, यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जाने का बहुत ही ज़्यादा गम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सारी अर्थियाँ जो यहाँ पर हैं वो रखी हुई हैं और हम कोशिश करेंगे जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी, यहाँ देखेंगे आप तो तमाम सारी यहाँ पर देखेंगे लकड़ियाँ जो हैं बहुत सारी रखी हुई हैं। यहाँ पर उपले भी होते हैं और इसके ऊपर जो है आप ऊपर की भी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो दाह संस्कार होता है उसका प्रोसीजर होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर धुआं भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ये सारे बाँस हैं जो अर्थी के बाँस होते हैं, इनका क्या किया जाता है? ये जला जाता है, फेंका जाता है, यहाँ जल जाता है और कोनो काम में आता नहीं है। अच्छा, इसका उपयोग नहीं होता है? नहीं। अच्छा, अब हम आपको लेकर चलते हैं नीचे की भी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं कि क्या राजा क्या रंग क्या फकीर, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो बिल्कुल सही बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जो यहाँ पर मिनटों में जलकर खाक हो जाती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो क्या नाम है भैया आपका? सनी चौधरी। आप भी दाह संस्कार का काम करते हैं? हाँ। कभी आपको डर लगा यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं लगा। कितनी लाशें आती है दिन भर में? 200-300 आ जाती है। 200-300 कितना मिलता है आपको बदले में, क्या कुछ मिलता है? ओ, लाश जलाते 250 रुपया मिलता है एक लाश का। हाँ, 250 रुपये। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 1000-1500 कमा लेते हैं। 1000-1500, तो पूरा दिन और रात दोनों रहते हैं? नहीं, बस एक टाइम, रात या दिन भर। अच्छा, या तो दिन में रहेंगे या तो रात में। हाँ। कभी कुछ महसूस किया यहाँ पे इतनी लाशें जलाई जाती हैं? नहीं, कभी डर लगा हो, कभी कुछ ऐसी बातें? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहता है? हाँ, नॉर्मल। आपके लिए बिल्कुल घर के जैसा हो गया? हाँ, आदत हो गई है। आदत हो, क्योंकि आम आदमी क्या होता है कि शमशान घाट पर जाने से बहुत डरता है। ठीक है। यहाँ से जाने के बाद में आप नहाते वगैरह भी हैं जो बाकी काम किया जाता है?
किया जाता है? बस काम कर नहाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है तो यहाँ पर जो सांस की दिक्कत है वो भी आती है? हाँ, सांस की दिक्कत हो जाते होंगे। हाँ, दमा के। हाँ, और जो इतनी ज्यादा उष्मा निकल रही है इसके लिए क्या कुछ करते हैं? आँच जो निकल रही है, आँच जो पसीना आता है उसके लिए भागते हम लोग। काम नहीं कि हाँ, रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हाँ वही। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे बिल्कुल एक लाश रखी हुई है। मैं बोलूंगा कैमरामैन से, एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं और हमें यहाँ से संभाल के निकलना होगा। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ठीक बगल में एक लाश यहाँ पर रखी हुई है। इसका भी दाह संस्कार किया जाएगा, इसका भी नंबर आएगा। और यहाँ पर जो परिजन है वो आए हैं, दुखी हैं, हम उनसे तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये उचित वक्त नहीं है कि हम उनसे बातचीत करें। अब हम आपको लेकर चलते हैं और नीचे की भी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, कोई कहीं से आया होगा, कोई कहीं से आया होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी चार लाशें एक साथ जलाई जा सकती हैं, जिनमें से दो अभी जल रही हैं और एक बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया है। और अगर चौथा सबसे लास्ट का अगर बात करें तो वहाँ अभी थोड़ी आँच दिख रही है। बाकी जो तीसरा वाला नंबर का बैरियर है, जो भी चीज़ें बोलते हैं उसे अभी मैं पूछूंगा। वैसे इसको क्या बोलते हैं तो अभी हम आगे चल के पूछते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी जो है वो लगाई जा रही है और इसके बाद में यहाँ पर जो लाशें हैं वो बिछाई जाएंगी। आपका क्या नाम है भैया? हमारा राजू साहनी नाम है। क्या करते हैं आप? हम नाव चलाते हैं। अच्छा, आप नाव चलाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर ऐसे रोजाना लाशें जलती हैं आप देखते? रोजाना जलता है। आप लोगों को आदत हो चुकी होगी, अब तो डर नहीं लगता? डेली हम लोग आते जाते हैं, आप रात सोते बैठते खाते पीते नाव पर सफर। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आमतौर पर होता क्या है कि जब कोई किसी के दाह संस्कार में जाता है और वापस आता है तो स्नान वगैरह करता है, फिर मानता है अपने आप को पवित्र। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो क्या आप अपने आप को अपवित्र मानते हैं? हम आते हैं यार, तो घर जाएंगे गंगा जी नहा कर अपने घर जाते हैं। अच्छा, नाव बांधेंगे घर जाएंगे नहा कर। अच्छा, रोजाना आप गंगा जी नहा कर ही घर जाते? घर जाते हैं। अच्छा, जिसमें लाशें जलाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? चूल्हा बना हुआ है ना। अच्छा, चूल्हा बना हुआ, चूल्हा बोलते हैं इसको। पहले जो नीचे जलता था, अब जो की होगी मोदी कटुआ हो गया, मतलब चूल्हा लग गया, उसमें चूल्हा में जल रहा है। और कितना वक्त लग जाता है एक लाश को जलने में? कम से कम 3 घंटा 2.5 घंटा। और उसके बाद में फिर क्या किया जाता है? ये तुरंत फिर बीन लेते हैं, मतलब जो हड्डियां वगैरह होती है? जलने के बाद थोड़ा सा बचता है उसमें गंगा में प्रवाह कर देते हैं। तुरंत प्रवाह कर दिया जाएगा? जैसे अभी जब मैं आया था तो मैंने देखा वो जो तीसरा वाला चूल्हा है वो जल रहा था, अभी उसमें लकड़ी लगाई जा रही है, दूसरा उस पर जलेगा। तो यानी कि इनके परिवार वाले जो रहेंगे वो रुके रहे होंगे यहाँ पे? हाँ, वो रुके रहेंगे, जला कर जो थोड़ा सा बचेगा उसको पानी में परवाह करके तब वो जाएंगे घर। अच्छा, अच्छा। और एक चीज और बताइए, यहाँ पर जो ये लकड़ियाँ बांस बल्ली है इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती है तो क्या ये वाकई में फेंका जाता है या किसी के काम आता है, कोई लेके जाता है? ये जो है की बांस कुछ लोग ले जाते हैं खेती बाड़ी के लिए। अच्छा, लकड़ी कुछ डोम राजा जो होते हैं अपने घर पर ले जाते हैं और जो घर कंजाट है बटोर कर जाकर दूसरे जगह उसको परवाह कर देते हैं। जो कपड़े वगैरह निकलते हैं सब कपड़े बांध कर सब अलग फेंक जाते, गाड़ जाता है। अच्छा, इसमें से एक बांस ही है जो उपयोग में आता है? उपयोग में आता है जो कि आदमी ले जाते हैं खेती बाड़ी में। हाँ, जो अपना बांस बल्ली गाड़ के और रोंधने बांधने के लिए वो काम करते हैं। आप कितने साल से यहाँ बनारस में रह रहे हैं? तो 15-20 साल से जो कि नाव चला रहे हैं। नाव चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ हमने आपको मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से दाह संस्कार का काम होता है, किस तरीके से जो यहाँ पर दाह संस्कार करवाते हैं उनको क्या कुछ मिलता है।